सर,
इसको चुप करवाया जाए, बागी बच्चा सर। कौन सा बच्चा? बागी बच्चा, बागी इसकी कोई बात सुन ही नहीं रहा हो जी। जिस तरह मैं अभी हाल ही में पाकिस्तान में सब ये हुआ है, डिपार्टमेंट में थोड़ा पॉलिटिक्स की सब आ गया है। जब अभी बागी प्रोफेशनल इंटरव्यू कर लिए, अभी हर तरह का डिग्री पूरी कर लिए। अच्छा, ऐसे दस्तूर को सुबह में भी उनको आप नहीं मानते? अच्छा चलें, ठीक है चलें, वो आपका राइट है कि आप उसको माने ना माने, उस पर हमारा कोई इख्तियार नहीं। हम आपको जिद करेंगे क्या माने। बहरहाल मैं उस डॉक्टर ने ये जवाब दिया मुझे कल, हम एक अवेयरनेस सेशन पर बैठे हुए, तो उसने कहा सबसे ज्यादा खतरनाक वो बच्चा है जिसको तवज्जो नहीं मिलती, जिसको इग्नोर करते हैं। इग्नोर करने वाला, और मैं ये समझता हूँ कि बलूचिस्तान के अंदर इग्नोर किया जाता है, और इस वजह से ये बच्चा थोड़ा सा ज्यादा खतरनाक है। तो इसलिए इसके अंदर बहुत सारे सवाल आते हैं, दीगर चीजें, तो उसको इग्नोर नहीं करना चाहिए। इसलिए हम यहाँ पर आए हैं और आपसे बात करने के लिए आए। देखिए, डायलॉग का जिक्र कुरान मजीद के अंदर भी, कुरान भी कहता है कि दीगर अभियान से भी बात करो। तो आपस में ना हमें आपस में बात करनी चाहिए, अपने सवाल एक दूसरे से करने चाहिए, और उसके जवाब तलाश करने चाहिए, और उन जवाब के हल के लिए जो हमें राइट इंसानी हकूक ने दिए हैं उस पर बात। तो ये बुनियादी तौर पे ह्यूमन राइट्स का काम है कि हम ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान के अंदर जितने नौजवान भी हैं वो एक एजेंडा बनाए। उनका एजेंडा सिर्फ ये लोग के नौजवानों की तरक्की हुई। देखिए, आपको यानी कि अगर आप कोई जंग लड़ने जाते हैं तो एक बंदा होता है जो एम्यूनेशन पहुँचाता है उस जंग के अंदर, एक असला पहुँचाने वाला होता है, एक डॉक्टर होता है जो जो मरीज बीमार जो फौजी बीमार हो जाता है उसका इलाज करते हैं, फिर इसी तरह से जो है वो एक नर्स होती है जो उसकी हेल्प कर रही होती है डॉक्टर की, एक टैंक चलाने वाला होता है, एक जो है ना कमांडर होता है, और एक पानी पहुंचाने वाला होता है। आप मुझे बताएं, अगर डॉक्टर जो है वो कमांडर का काम शुरू कर दे, नर्स जो है वो एम्यूनेशन पहुंचाने का काम शुरू कर दे, क्या इस तरह से जंग जीती जा सकती है? हम सबको अपनी अपनी जगहों पर काम करना है, फिर जाकर हम कुछ जंग जीतेंगे, या जो हमारे सवाल जहनों में हो तो हम उसके जवाब तलाश कर सकते हैं। हमारे यहाँ हर बंदा टारगेट बनने की कोशिश करता है, यानी कि जिसकी जो सलाहियत है ना उसको उजागर करना चाहिए। हम मेरे अंदर जो सलाहियत है वो आपके अंदर नहीं हो सकती, जो आपके अंदर सलाहियत है वो मेरे अंदर नहीं हो सकती है। तो जो सलाहियतें लोगों की छुपी हुई हैं हमें उसे परवान चढ़ाना चाहिए, हमें उसे उजागर करना चाहिए, और यही काम हम यहाँ पर बलूचिस्तान में भी करना चाहते हैं, और यही कोशिश करते हैं कि हम बलूचिस्तान के अंदर कर रहे हैं। अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहा है तो अगर कर ले तो अच्छी बात है, अगर कोई वीडियो रिकॉर्ड करना है तो हो रहा है सर, हो रहा है रिकॉर्ड तो हम जो है वो एक एक ऐसे मुल्क के अंदर रहते हैं जो तरक्की पजीर है या तीसरी दुनिया का एक मुल्क है, और उसके अंदर इतने ज्यादा मसाइल है कि जिसकी कोई हद नहीं है। मैं कराची के अंदर रहता हूँ, आप यकीन माने कराची के अंदर जो है वो 3 करोड़ लोग रहते हैं उस शहर के अंदर। कोटा बलूचिस्तान की पूरी आबादी की 3 करोड़ शायद नहीं है, लेकिन उस पूरे शहर के अंदर 3 करोड़ से ज्यादा लोग रहते हैं। उनका सबसे बड़ा मसला क्या है? मैं आपसे कराची, क्योंकि आप ज्यादातर कराची जाते रहते हो, क्योंकि यहाँ से कराची करीब है तो अक्सर लोगों के चक्कर लगते हैं। बेसिक राइट है, कराची में सबसे बड़ा मसला ये है, कराची के पूरे कराची को कंक्रीट का जो है वो जंगल बना दिया, पूरा कराची कंक्रीट का जंगल है। कराची वो मौसम था जहाँ पर वो मौसम होता था कराची के अंदर कि पूरी पाकिस्तान से लोग एंजॉय करने कराची में आते थे, समझ लो सेकंड इंडिया आए चलती थी, जून जुलाई के अंदर मई के अंदर लोग एंजॉय कर रहे होते थे, बारिशें थोड़ी थोड़ी सी होती थी, लेकिन अब पूरा कराची कंक्रीट का समझ जंगल है। उस कंक्रीट के जंगल के अंदर पूरा एक निज़ाम जो है तबाह हो गया। हमें तो आपको तो कराची जाते हुए डॉल्फिन मॉल नजर आता होगा, ओशियन मॉल नजर आता होगा, आपको जो है ना बड़े बड़े मॉल नजर आते होंगे कराची में।